विनीत सर, ये बहुत इजी सीन है सर जी। अरे सनी, तुझे पता नहीं है ये स्टंट करना कोई आसान बात नहीं होती, समझा? वो तेरा बॉस कहाँ है, वो डायरेक्टर? अरे अगर बजट बढ़ गया है तो मैं क्या करूं? मैंने कहा था कि फिल्म बनाओ। अपने प्रोड्यूसर से कहो कि मुझे और पैसे भिजवाए सेट बनवाने के लिए, नहीं तो मैं गाना शूट नहीं करने वाला हूं। समझ में आई बात? बोल देना। जी सर। क्या हो रहा है? जी सर, सब आ गए। विनीत सर तो बिल्कुल तैयार है। मीनाक्षी जी को थोड़ी टेंशन है, जो ब्लास्ट होने वाला है ना उसकी वजह से। मैं संभालता हूँ उन्हें बेटा, थोड़ा प्यार से समझाना चाहिए, समझा? हाँ सानी, मैडम को बोलो कि साहब खुद आ रहे हैं सीन समझाने, ज्यादा प्यार से। सात सीन कंप्लीट करने हैं आज। ये आर्ट डायरेक्टर कहाँ है? ये क्या किया है इसने, क्या किया है, बुलाओ उसको। जी सर। सर जी, वो आर्ट डायरेक्टर आ रहा है, किसी ने गिफ्ट दिया आपके लिए। गिफ्ट? आते ही गिफ्ट। किसने भेजा इसको? मालूम नहीं सर, कोई गेट पे वॉचमैन के पास छोड़ गया। वॉचमैन के पास? जी सर। सनी, लोग बिना एक रोल पाने के लिए क्या क्या भेजते रहते हैं। रैप तो ऐसे किया जैसे अंदर कोई खजाना छुपा हो। सर, सर, क्या है? कोई आया है? कोई आया सर जी। तुम अभी तक ऐसे ही घूम रहे हो? तुमसे बात कर रहा हूँ, इधर उधर क्या देख रहे हो? तुम्हारी कॉस्ट्यूम क्या है? जाओ जल्दी जाओ, स्कर्ट पहनो, डांस आता है ना। अरे कौन सा स्कर्ट, कौन सा डांस? फ्रेडी, तुम जाके स्कर्ट पहन लो, तब तक हम लोग पूछताछ करते हैं। आइए सर। थोड़ा यार, थोड़ा पूछताछ। हम लोग सीआईडी से, पता चला यहाँ पे एक छोटा सा ब्लास्ट हुआ है। ऐसे ही शूटिंग में थोड़ा बहुत चलता रहता है। ये चेहरे पे मेकअप कर रखा है या वाकई में जल गया? ये ऐसे ही किसी ने छोटा सा बॉक्स भिजवाया था, उससे थोड़ा सा। सुना कुछ धमकी भरे लेटर्स आ रहे हैं आपको, कौन भेज रहा है कुछ मालूम है? देखिए सर, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। क्या है कि अगर बदनामी हो गई तो मेरी फिल्म कंप्लीट नहीं होगी। आप लोग कुछ लीजिए ना। आप बैठी। तो आप लोग आ गए, आपको वाकई लगता है आपके पति की जान खतरे में है? खतरा नहीं होता तो आपको बुलाती ही क्यों? कितने लेटर्स हैं? 8 से 10 लेटर तो होंगे ही। सब लेटर्स में एक ही चीज लिखी हुई है क्या? हाँ, किसी किसी में तो ये भी लिखा है कि तेरी बीवी को भी मार देंगे। अरे ये भी लिखा हुआ है, फिर तो मामला गड़बड़ है। आपको किसी पर शक है? अब मैं क्या कहूँ,
कोई एक हो तो बताओ। सुजॉय की तो पता नहीं किस किस से क्या क्या है। मैंने सुना तूने जो कहा कि मक्खन लगाना कम कर और काम ज्यादा कर। तो ठीक ही तो कहा ना मैंने, यहाँ पर टेंशन के मारे सर फटा जा रहा है कि ब्लास्ट कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, और तुम लगे हो वो चम्मच घुमाने के लिए। अरे यार तू कितना घबरा रहा है, कुछ नहीं होगा, स्टंट वैसा ही होगा जैसा तूने सोचा है। विनीत कहाँ है? अरे बुलाओ ना विनीत को, एक दिन में एक ही शॉट लूंगा क्या मैं, जाओ। सर बुलाता हूँ। आइए सर। सर विनीत जी आ गए। पार्थो मैं फिर पूछ रहा हूँ, मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? अरे सर कुछ नहीं होगा, अब वहां होंगे नहीं तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चलो पोजीशन। ओके तुम कहाँ आ रहे हो भैया, तुम्हारा क्लोजअप है, जाओ मार्क पे। ओके ओके अब सुजोय। हाँ? बॉस ये अभी तो नहीं फटेगा ना? अरे सर जी वायर जुड़े ही नहीं है, फिर फटेगा कैसे। चलिए चलिए पोजीशन लीजिए। फ्रेंड दिखाइए मुझे। चलिए लेफ्ट लीजिए लेफ्ट। ओके पानी ला पानी। ये क्या हो गया पार्सल जी, क्या किया आपने? मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे वाले तो वायर भी जुड़े नहीं थे। कि ब्लास्ट हुआ कैसे, जिम्मेदारी तो आपकी है ना? जरूर किसी दूसरे ने गड़बड़ी की है। वायर नहीं जुड़े थे, ब्लास्ट हुआ कैसे, बम अपने आप फटा है क्या? तुमने लगाया था ना? साहब लगाया मैंने था लेकिन जोड़ा नहीं था। सर लगता है किसी ने दूसरे वायर से बॉम्ब ब्लास्ट किया है। सर विवेक पेट्रिक्स पीछे जाके देखो कुछ मिलता है क्या। सर संभाल के संभाल के संभाल के। ओह माय गॉड विवेक बम यहां फिट करके रखा है। क्या दुश्मनी थी तुम्हारी विनीत से? क्या दुश्मनी थी साहब? मैं ऐसा दुश्मनी निकालूंगा क्या साहब, मेरी बात का यकीन करो। से ये कुछ टुकड़े मिले सर। इसका मतलब वो डायरेक्टर है। सुजोय सुजोय कहाँ है? इतना बड़ा कांड हो गया, मियाँ बीबी दोनों गायब है, कहाँ है वो? पिछले दो महीने से मैं तुम्हें कह रही थी कि सीआईडी को सब कुछ बता दो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। देख लिया तुमने क्या हुआ। दो महीने का जिक्र बार बार मत करो, समझी तुम? वहां इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया है, इतने लोगों की जान जा सकती है और आप लोग यहाँ छुप के बैठे हैं। समझो क्या क्या हुआ, क्या हुआ क्या हुआ विनीत को? विनीत की मौत हो गई। ओह माय गॉड ओह माय गॉड। विनीत की मौत से सवाल ही सवाल खड़े हो गए मिस्टर सुजॉय। वो बॉम्ब किसके लिए था ये तो बाद में पता चलेगा, पहले आप ये बताइए कि दो महीने का क्या चक्कर है, क्या बात कर रहे थे आप लोग दो महीने की? सर वो दरअसल हम लोग सुजॉय मुझे बताने दीजिए सर, वो बॉम्ब मेरे पति सुजॉय के लिए था। ये बात आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती है? क्योंकि वो लेटर्स जिनके बारे में मैंने आपको बताया था वो धमकी भरे लेटर्स पिछले दो महीने से आ रहे थे। और लाख कोशिश करने पर भी हम ये पता नहीं लगा पाए कि वो कौन भेज रहा है। जरा दिखाइए वो लेटर्स। वो मैंने फेंक दिए। फेंक दिए? क्यों क्यों फेंक दिए? वो मुझे लगा कि उन लेटर्स की कोई नहीं। सुजॉय सब वो लेटर मैंने डस्टबिन से निकाल लिए थे, वो लेटर्स मैं आपको दे सकती हूँ सर। ये बहुत अच्छा काम किया मिसेस संगीता आपने, नहीं तो सुजॉय ने तो पूरी कोशिश की थी वो लेटर गायब कर दिए जाए। सर बम इस चीज के अंदर रखा हुआ था और उसके ऊपर उंगलियों के निशान भी मिले हैं। या निशान है तो ग्रेट जॉब। ये फिंगरप्रिंट उसी का होगा जिसने ये बॉम्ब लगाया है, और ये काम इस यूनिट में से ही किसी का है।
सबके फिंगरप्रिंट्स लेने पड़ेंगे। सर बट हम ऐसा बम क्यों लगाएंगे, हमारी तो शूटिंग बंद हो गई, हमारे तो खाने के वांदे हो गए सर। इतने लोगों के सामने विनीत को बम से उड़ाया गया, फिंगरप्रिंट्स तो लेने ही पड़ेंगे। वो डायरेक्टर सुजॉय और उसकी वाइफ संगीता, उसके भी लो। और हीरोइन कहाँ है मीनाक्षी, उसके भी फिंगरप्रिंट्स लेना। सर ये फिंगरप्रिंट्स किसी काम के नहीं है, लगता है जो जो लोग वहाँ शूटिंग पे गए थे उनमें से किसी ने खून नहीं किया। तो क्या कोई बाहर वाला आके बम लगा गया? कावेरी वहाँ फिंगरप्रिंटिंग के लिए कहीं कोई रह तो नहीं गया था? नो सर, जहाँ तक मुझे याद है मैंने सबके फिंगरप्रिंट्स लिए थे। नहीं नहीं, ये कोई बाहर वाला नहीं है, बाहर वाला होता तो तुरंत पता चल जाता ये आदमी वहीं का है, शूटिंग का ही है। बॉस शूटिंग का आदमी होता तो उसकी उंगलियों के निशान बॉम्ब पे पाई हुई उंगलियों के निशान से मैच क्यों नहीं हो रहे? तुम बताओ ना। मैं कैसे बताऊं? अरे तुम फोरेंसिक सर्जन हो, एसीपी तो तुम हो। तो क्या, अरे उंगलियों के निशान तो तुम लेकर के आए हो ना। देखो सांखे, वैसे हमारा आपस में कपड़े फाड़ते का क्या मतलब, खून ही खून करके भाग गया। होल्ड ऑन, मैं बताऊं। ये देखो ये लेटर्स देख रहे हो तुम? हाँ। ये लेटर सिर्फ दो बार लिखे गए। क्या मतलब? मतलब ये कि लेटर सिर्फ दो बार लिखे गए हैं, बाकी इनकी जीरोक्स कॉपी निकाली गई। तो ये बात है, तो पता कैसे चले कि ये जीरोक्स किस दुकान से निकाले गए? सालू की किस मर्ज की दवा है बॉस, आओ बताता हूं। बस हर जीरोक्स मशीन का एक इतिहास होता है, उस पर एक नंबर होता है जिससे पता चलता है कि कौन सी मशीन कब कहां और किसके पास गई। ये देखो, तो ये है। अब इस नंबर से हम पता लगा सकते हैं कि ये जेरोक्स मशीन किस दुकान में लगी हुई है। वो खूनी सेट पर जितने भी लोग थे वो खूनी उन्हीं में से कोई एक है। उसने बाहर वाले किसी आदमी की मदद लेकर वो खून किया है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि वो फिंगरप्रिंट वहां के किसी भी आदमी के साथ मैच क्यों नहीं होता है। सब अविक मिल गया है सर, फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए। मैच हो गए? देखिए सर। हाँ ये तो मैच हुआ। सर मैंने सोचा ये जो फिंगरप्रिंट्स है क्यों नहीं रिकॉर्ड में जितने भी क्रिमिनल्स है उनके फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच करके देखू। सर यही हमारा खूनी है सर, इसी ने बॉम्ब लगवाया था वहां। ये क्या है विवेक? क्या हुआ सर, आप खुश नहीं? ध्यान से देखो विवेक, ध्यान से देखो। माय गॉड, ये तो मर चुका है। एग्जैक्टली, ये आदमी तो मर चुका है। ये कैसे हो सकता है, 15 साल पहले मर चुका हुआ आदमी बॉम्ब लगा कैसे सकता है? मगर सर अगर ये आदमी मर गया है तो बॉम्ब पर फिंगरप्रिंट्स आए कहां से? नाम क्या है इसका? सर इसका नाम साबू है। साबू? यस, याद आया मुझे ये साबू। बहुत साल पहले इसका इनकाउंटर हुआ था, मारा गया था ये इनकाउंटर में। एक काम करो, इस साबू के घर जाओ, आसपास अच्छी तरह से पता करो, देखो समझो क्या हो रहा है वहां पर। मर गए, हो गया सत्यानाश। अब क्या हुआ सर? जब जब मैं कोई केस सॉल्व करने के लिए निकलता हूँ ना मेरे रास्ते में पत्थर ही पत्थर आते हैं। सर मुझे तो कोई पत्थर नजर नहीं आ रहा है सर। अरे छोड़ यार, क्या पता पता था उस साबू का? B890 जानोर रोड सर। B890 जानोर रोड, अरे यही तो है। 15 साल में साबू का घर टूट चुका है और उसकी जगह पे ये बिल्डिंग बनी है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करे। अरे सुनो भाई साहब। जी कहिए। आप इस एरिया में कितने साल से आ रहे हो? मैं यहाँ 18 सालों से आ रहा हूँ। देखिए भाई साहब, हम लोग CID से हैं। अगर आप इस एरिया में 18 साल से आ रहे हैं तो आपको ये भी पता होगा कि ये जो बिल्डिंग है इसके बनने के पहले यहाँ पे था क्या? यहाँ पे साबू का घर था, बदमाश था एक नंबर का, बहुत बार पुलिस पकड़ के ले गई उसको। अब ये साबू अब कहाँ मिलेगा? मालूम नहीं, जेल में था, मर गया होगा। उसके कोई बच्चे या बीवी वगैरह थी उसकी? एक बेटा था, 4 साल का था जब उसका माँ मर गया। बाद में सुनने को आया कि साबू के जेल जाने के बाद उसको अनाथ आश्रम में भेज दिया गया, वहीं पे पढ़ता है। नाम क्या है उसका? हाँ मयंक।
अरे ठीक है नहीं आओगे तो तुम्हारे आने से हमारी जेरॉक्स मशीन नहीं बंद हो जाएगी, समझ क्या रखा है भाई, ऐसे थोड़े होता है। नहीं फोन रखो, बात खत्म, चले आते हैं। जी क्या आपका क्या जेरॉक्स करना है? देखिए हम लोग जेरॉक्स नहीं करवाने हैं, ये देखिए। ये क्या है? ये आपके यहाँ जेरॉक्स किया गया? जी मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप लोग हैं कौन? हम लोग सीआईडी से हैं, एक खून हुआ है। तो खून का हमने किया है? क्या पता, खून ही नहीं है, जेरॉक्स यहीं से करवाए थे। अब जरा दिमाग पे जोर डालो और याद करो कौन आया था ये जेरॉक्स कराने के लिए। भाई टप्पू, अरे जरा इधर आना तो देखना बेटा, ये पेपर जेरॉक्स किसने किए थे? इस पेपर पे इस दुकान का छाप लगा हुआ है। हाँ सर, ये तो मैंने जेरॉक्स किया है। तुमने किया था, ले चले अभी यहाँ से। हैं? ऐसे धमकी भरे लेटर जेरॉक्स करते हो तुम? सर उसने तो कहा था ये किसी फिल्म के डायलॉग्स है, तो मैंने जेरॉक्स कर दिए। कौन आदमी, पहचानते हो उसे? नहीं सर। और कुछ कहा था उसने? सर उसने कहा था कि वो किसी बड़े डायरेक्टर से बात करके मुझे फिल्म में काम दिलाएगा, तो सर मैंने ये पेपर जेरॉक्स कर दिए। कौन बड़ा डायरेक्टर? अरे सर वो उसने वो बनाई थी ना एक चम्मच सिंदूर, अरे वो गुड्डू, यही नाम है उसका। तुम्हें याद है वो दिखता कैसा? सर अगर वो मेरे सामने आएगा तो मैं उसे पहचान लूंगा। और हाँ सर, उस दिन उसने लाल रंग की कैप पहन रखी थी। लगता है वो ऐसे फिल्म यूनिट में से कोई आदमी है। लाल रंग की टोपी, सनी। हम लोग सीआईडी से। आप सीआईडी से? जी हाँ। बताइए क्या काम है आपको? आप किसी मयंक नाम के आदमी को जानते हो? शायद वो यहाँ पे टीचर है और शायद 19-20 साल का होगा। अच्छा अच्छा, मयंक, आपको उससे मिलना है? जी हाँ। जरा जाके मयंक को बुलाओ ऑडिटोरियम से, कहना कुछ जरूरी काम है। तुम्हें क्या लगता है विवेक? मुझे लगता है वो कुछ ना कुछ जरूर बताएगा। क्यों सर? अरे हम लोग क्या यहाँ मक्खियाँ मारने आए? वो बताएगा, जरूर बताएगा। लेकिन वो बहुत सीधा लड़का है सर। आपने मुझे बुलाया सर? तुम मयंक को? माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। कोई बात नहीं, अब बता देते हैं, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? हमें आपके पापा के बारे में कुछ पूछना था। मुझे तो कुछ याद भी नहीं है, 4 साल का था जब उनकी मौत हो गई थी। हमें लगा था कि तुम्हारे पापा जिंदा है। आज अगर वो होते तो अनाथ आश्रम में नहीं रह रहा होता मैं। गुड्डू सर, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। सनी, I'll call you back. क्या हाल है शूटिंग का? सर वो हम मर गए सर, पता नहीं क्या होगा। सुजॉय सर को तो आप ले गए। नहीं ले जाते, वाइफ के मर्डर की प्लानिंग कर रहा था। क्या गुड्डू कैसा है? सर गुड्डू क्या हुआ, इतनी जल्दी भूल गए गुड्डू को? नहीं सर, लेकिन गुड्डू। देखो सनी, जो कुछ जानते हो सच सच बता दो, नहीं तो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे तुम। सर अगर मैं ये नहीं करता तो मुझे फिल्म कभी नहीं मिलती, मेरी कोई गलती नहीं है सर। गुड्डू के बारे में बताओ, कौन है गुड्डू? सुजॉय सर। सुजॉय, मुझे पहले ही शक था कि दाल में कुछ काला है। सुजॉय का नाम गुड्डू है। मेरी बात तो सुनो प्लीज। देखो मैं अपना वादा निभाऊंगा, बस तुम मुझसे झगड़े करना बंद कर दो प्लीज। ओके, झगड़े करना बंद कर दो। सर अरे क्या है? मीनाक्षी से तो बातें तो बाद में भी हो सकती है सर। क्या तुम्हें कैसे मालूम कि मैं मीनाक्षी से बात कर रहा था? हमें मालूम है मिस्टर सुजॉय कि आप मीनाक्षी जी से बात कर रहे हैं। बाकी आप क्या करने वाले हैं, बोलते बोलते घुटनों पे बैठ जाओगे या फिर लेट के बातें करेंगे, ये सब देखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। प्लीज पैर छू लीजिए, नहीं तो। आप लोग को पता चला कि मुझे कौन परेशान कर रहा था? कौन भेज रहा था लेटर मुझे? पता चल गया मिस्टर सुजॉय। कौन वो आदमी? जो कोई भी है तुम्हारे आसपास ही है। मेरे आसपास?
तुम्हारे आसपास। तू? तू कर रहा था ये नहीं चरका? नहीं। ये नहीं। फिर? वो तुम्हारे और भी पास है। मेरे? हाँ। मैं समझा नहीं। तुम्हारे इस ड्रामे की वजह से एक आदमी का खून हो गया है, समझे? नहीं, मेरे ड्रामे की वजह से कुछ नहीं हुआ सर। तो फिर ये ड्रामा क्यों किया लेटर्स भेजने का? हाँ, आप लोग बार बार लेटर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन कौन भेज रहा है आप वो नहीं बता रहे मुझे। मैं बताता हूँ कौन भेज रहा है। कौन? 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 बताता हूँ, वो मैं ही अपने आप को लेटर्स भेज रहा था। क्यों? क्यों? मैं अपनी वाइफ से पीछा छुड़वाना चाहता था सर। मैंने सोचा था कि मैं उस पर अटैक करवा के उसको मरवा दूंगा, और बाद में लोगों को लगेगा कि वो मुझे मारने आए थे, पर गलती से उसे मार दिया। अगर इतनी जल्दी थी तो वाइफ से डिवोर्स क्यों नहीं लिया? अगर डिवोर्स लेता तो आधी से ज्यादा जायदाद और पैसे उसे देने पड़ जाते। तो फिर वो आदमी कौन है जिसने वो पैकेट लाया था, जिसने छोटा सा ब्लास्ट हुआ और पाउडर फूट के तुम्हारे चेहरे पे जाके गिरा? उस आदमी को मैं नहीं जानता, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है सर, मुझे नहीं मालूम। वाह क्या बात, वाह, अवार्ड मिल जाएगा इस एक्टिंग के। किसने भेजा था वो बॉक्स? सर मैंने कहा ना, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। गिरफ्तार कर लो इसे। हाँ पापा समझ गया। अरे बोला ना एक बार समझ गया मतलब समझ गया। अब मुझे भी कुछ बोलने दोगी अब? हाँ पापा मैं ठीक हूँ, ओके बाय। क्यों फ्रेडरिक्स, सर्टिफिकेट मिल गया? फ्रेडरिक्स वो दिन कब आएगा जब तुम अपने वाइफ से बिना पूछे चाय पियोगे, खाना खाओगे, टॉयलेट जाओगे? सर जो बात गलत है उसे मैं कहूंगा कि गलत है। अब सर मैं टॉयलेट वाइफ को बिना पूछ के जाता हूं। अरे इसमें हंसने जैसी क्या बात है सर, सब लोग घर के बाहर शेर बन के घूमते रहते हैं, घर में घुसते ही हवा निकल जाती है, सबके बिल्ली बन जाते हैं सब। मैं तो खुल्लम खुल्ला कहूंगा मैं गुलाम हूं। अच्छा 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 बाबा ठीक है, अब केस की बात करें। फ्रेडरिक्स तुमने कहा था कि केस की बात करने से पहले तुम कुछ अपनी वाइफ से पूछने वाले थे, क्या कहा तुम्हारी बीवी ने? सर उसने बताया कि जो आदमी एक बार झूठ बोलता है वो हर बार झूठ बोलेगा। अच्छा तो इसका मतलब है डायरेक्टर ने झूठ कहा था? सर वाइफ ने तो ऐसे ही कहा था सर। सर फ्रेडी की वाइफ सही कह रही है, वो जो डायरेक्टर ने कहा कि वो डिब्बा जिसमें से पाउडर निकल के फूटा उसके चेहरे पे वो उसने नहीं भेजा है, ये गलत है सर। हाँ सर वो ये मानने को तो तैयार है कि उसने सारे लेटर्स अपने आप को भेजे हैं, लेकिन वो डब्बा नहीं भेजा है। मगर एक बात है, वहाँ पर एक खून हुआ है उस एक्टर का। सर मेरे ख्याल से ये बॉम्ब वाइफ ने नहीं लगवाया है सर, हीरोइन मीनाक्षी ने लगवाया है सर। जब उसे पता चला कि ये अपनी वाइफ को छोड़ने वाला नहीं है और मुझे लटका के रखने वाला है तब। पर विवेक उन फिंगरप्रिंट्स का क्या करें जो हमें शूटिंग के सेट पर मिले थे? हाँ सर वो फिंगरप्रिंट्स 15 साल पहले मरे हुए आदमी के हैं, वो वहाँ कहाँ से आए, कैसे आए? हाँ सर मुझे लगता है कि ये आदमी 15 साल पहले मरा ही नहीं है। हाँ सर ये तो साइंस है, अगर वहाँ से उसके उंगलियों के निशान मिले हैं तो वो आदमी जिंदा है। और वहाँ शूटिंग में किसी से मिलने आया था? वो वहाँ शायद काम कर रहा हो, अपना नाम बदल कर, अपना चेहरा बदल कर। मगर सर हमने तो वहाँ मौजूद हर एक आदमी के उंगलियों के निशान लिए हैं। ये कैसे हो सकता है कावेरी, कोई तो छूट गया है, किसी के तो फिंगरप्रिंट लेना तुम लोग भूल गए हैं। नो सर कोई छूटा नहीं है, हमने वहाँ पे आर्ट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, लाइटमैन, कैमरामैन, इवन मेकअप आर्टिस्ट सबके निशान लिए हैं। हाँ सर मैंने तो ड्राइवर तक को भी नहीं छोड़ा था, चुन चुन के सबके फिंगरप्रिंट्स लिए थे मैंने। ड्राइवर? किस किस ड्राइवर के फिंगरप्रिंट्स लिए तुमने? वो हीरो के गाड़ी का ड्राइवर, हीरोइन के गाड़ी का ड्राइवर, उस वैनिटी मैन के ड्राइवर के लिए,
जिसमें हीरो हीरोइन बैठते हैं, उसके फिंगरप्रिंट्स लिए तुमने? अब सर वो सर लगता है वो हमारे हाथ से छूट गया। कैसे छूट गया? वो वही होना चाहिए, ढूंढो उसे, शायद वही हो सकता है। आप लोग सुजोय को पकड़ कर ले गए, हमारी तो शूटिंग ही रुक गई। और क्या करते हैं, वाइफ के मर्डर की प्लानिंग करने वाले को छोड़ देते क्या? प्लानिंग ही तो थे, बस मारा तो नहीं। मीनाक्षी जी, आप बहुत खुशकिस्मत हैं जो हम लोगों ने अभी तक आपको छोड़ रखा है। वैसे हमें शक है कि आप भी इस मर्डर की प्लानिंग में मिली हुई। मैं? आपको मेरे ऊपर भी शक है? वैसे एक बात बताइए, जो वैनिटी वैन के ड्राइवर्स हैं, उनको पहचानती हैं? हाँ, देखकर पहचान सकती हूँ। बुलवाइए। जिस दिन विनीत साहब का खून हुआ उस दिन आप दोनों यहीं पे थे? हमने कुछ नहीं किया सर। वो दूसरा ड्राइवर कहाँ है? दूसरा ड्राइवर? सर दूसरा ड्राइवर मैं हूँ सर। जब हम सुजोय से मिलने उसकी वैनिटी वैन में गए थे तो वहाँ एक दाढ़ी वाला ड्राइवर था। ये दाढ़ी वाला ड्राइवर कहाँ है? वो सर वो कहाँ है वो? सर उस दिन मेरी तबीयत खराब थी तो मैंने अपने बदले अपने पड़ोसी को भेज दिया। पड़ोसी को? कौन है वो पड़ोसी? वो सर वो दावर। उसका एड्रेस बताओ, अभी के अभी मिलना है उससे हमें। दरवाजा खुला है? बड़ी अजीब बात है, ऐसा कौन हो सकता है जो अपना घर खुला छोड़कर जा सकता है। सर। हाँ विवेक। ये टाइमर मिला है। माय गॉड सर, ये देखिए, बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला था यहाँ पर। माय गॉड। यहाँ दो तरह के डायनामाइट्स हैं, कुछ हल्के और कुछ भारी। दया, लगता है पहले ब्लास्ट से बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट करने की तैयारी हो रही थी। फ्रेडिक्स, घर का कोना कोना छान मारो और सारे फिंगरप्रिंट उठाओ, एक भी फिंगरप्रिंट छूटने न पाए। विवेक, अपना लैपटॉप लेकर आओ और वो फिंगरप्रिंट या मिले हुए फिंगरप्रिंट से मैच करके देखो। हो सकता है वो फिंगरप्रिंट उसी आत्मा की है जो 15 साल बाद भी आज भटक रही है। हो सकता है आज हमारी किस्मत चमक जाए। ये तो हमें भी दिख रहा है कि ये साबु है, दावर नहीं। लेकिन सर ये हो कैसे सकता है? ये तो सिर्फ केतन ही बता सकता है। केतन, वो ऑफिसर जिसने इस साबु का एनकाउंटर किया था, अभी बात करता हूं उससे। हाँ भुरल, इसे भी प्रद्युमन। हाँ हाँ मैं ठीक हूं, तुम कैसे हो? हाँ अच्छा सुनो, एक जरूरी काम है यार, मेरी पहली बात तो सुन लो। मुझे केतन का नंबर चाहिए। हाँ हाँ केतन, वही जो मेरे साथ ट्रेनिंग में था। हाँ उसके पास जरूरी काम है। क्या? कब? अच्छा ठीक है सर। सर क्या हुआ सर, केतन सर का नंबर मिल गया? केतन की मौत हो गई दया। सर क्या हुआ? सुसाइड, केतन ने सुसाइड किया। केतन जैसा ऑफिसर सुसाइड कर सकता है? ये सर कहीं ये साबू, इसने तो कुछ नहीं किया। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ दया। सर कहीं सुजोय का तो कोई लेना देना नहीं है साबू से? ये तो सुजोय ही बता सकता है, सुजोय से पता करते हैं। एक पत्नी को जब ये पता चले कि उसका पति उसके खून करने की सोच रहा, तो उसका तो पूरा संसार ही हिल जाता। किस पे विश्वास करे, किस पे ना करे, कुछ समझ में नहीं आता। इस केस में हमारी भी कुछ ऐसी हालत हुई है, समझ में नहीं आता कि वो सच बोल रहा है या झूठ। तो क्या वो ये कह रहा है कि वो मुझे मारना नहीं चाहता? उसने इस बात से तो मना किया है।
मुझे लगा कि शायद ये झूठ हो। उसने ये भी कहा कि उस बॉम्ब का प्लानिंग उसका नहीं था और उस बॉक्स में से जो पाउडर का ब्लास्ट हुआ है वो संगीता, संगीता मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ये लोग मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे, इन्हें बताना कि वो संगीता जी, हमें पता चल गया कि वो डब्बा किसने भेजा है। कौन था वो? उसका नाम साबू है और वो एक गुंडा है। और इन्हें बताओ कि मैं गुंडों से कोई संबंध नहीं रखता हूँ, इन्हें बताओ ना। चुप रहो तुम, ये नाम सुना है मैंने पहले कहीं। मैंने कहा था ना सुजोय कि तुम्हारा इस साबू के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। ये नाम मैंने शूटिंग पे सुना था। शूटिंग पर? किसकी शूटिंग? किसके मुंह से? सुजोय के? नहीं, मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ। जानते नहीं हो तो डर क्यों रहे हो? बताने दो उसे। उस दिन शूटिंग पे जब मैं वैनिटी वैन के पास से गुजर रही थी तो वैन की अंदर से मैंने किसी को बोलते हुए सुना था। वैनिटी वैन में से? किसकी वैनिटी वैन? कौन एक्टर बैठा था उसके अंदर? विनीत। विनीत? हाँ विनीत। सर आपसे कोई मिलने आया? कौन मिलने आया? सर वो अपना नाम साबू बता रहा है। साबू? उसके बाद विनीत बहुत घबराया घबराया सा था। सारे दिन उसके चेहरे पर हंसी आई ही नहीं। आएगी कैसे? साबू का नाम सुन लिया होगा उसने। देखा, मैं कह रहा था ना कि मैं उसे जानता तक नहीं हूं, पर आप लोग मेरा विश्वास ही नहीं कर रहे थे। विनीत, ये विनीत साबू को जानता था तो हो सकता है साबू ने वो पाउडर वाला बॉक्स विनीत को ही भेजा था। मगर सर उस बॉक्स के ऊपर तो गुड्डू का नाम लिखा हुआ था। तो फिर वो बॉक्स सुजोय तुम्हारे लिए ही भेजा होगा। लेकिन सर विनीत के घर का नाम गुरु है। गुरु? गुरु? विनीत का नाम गुरु? हाँ गुरु। गुड्डू, गुरु गुड्डू, तो ये भी तो हो सकता है कि साबू ने वो पाउडर वाला बॉक्स विनीत के लिए भेजा था मगर गलती से वो सुजय के पास आया। सर एक बार तो हम इस घर को चेक कर चुके हैं। कावेरी, हम सबको पता है कि ये साबू का घर है, इसलिए हमें उस निगाह से चेक करना है। लाख कोशिश करने के बाद भी हमसे कुछ छूट सकता है। सर? हाँ सर, ये विनीत की कुछ फोटोग्राफ्स है सर। जब वो 16 साल का था तब वो एक पॉकेट मार भी था सर। पॉकेट मार का फिर एक्टर बन गया। बेचारा जिंदगी में कुछ अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था लेकिन। सर एक्टर बनने से पहले विनीत साबू के साथ काम कर रहा था और उसी ने साबू को पकड़वाया था। विनीत साबू के साथ काम कर रहा था तो इसका मतलब है साबू किसी भी तरह से एनकाउंटर से बचकर निकला और अब बदला लेने के लिए वापस आया है। ध्यान से कावेरी, ध्यान से। फेडरिक सर, एसीपी सर ने कहा है हमें सब कुछ चेक करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। मुझे सिखाने की कोशिश मत करो, समझी? मेरे भी कान है। सर, ये कुछ बस के टिकट्स मिले हैं डस्टबिन में, समझ में नहीं आ रहा किस एरिया का है। दया, ये सारे टिकट्स तो एक ही एरिया के लगते हैं, देखो एक ही तरीके का कोड है। सर हाँ, शायद साबू यहीं कहीं छुपा होगा। पता करो ये एरिया कौन सा है। सुनिए भाई साहब। क्या है भाई साहब, आप ये टिकट देख के बता सकते हैं कि ये टिकट कौन से बस रूट का है? अरे भाई साहब, मुझे पहले ही देर हो रही, मेरी बस निकलने का टाइम हो गया। अगर आपकी टिकट में मैं उलझ गया तो मेरे बस का टिकट कौन काटेगा? आप लोग भी क्या ये पुरानी टिकट लेके घूम रहे हैं? फेंक दो इसको और घर जाइए, आराम कीजिए, खुश रहिए। अरे अरे एक मिनट, एक मिनट। सुनिए मान सर, इतनी जल्दी क्या? CID से एक खून हो गया, समझे? खून? फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे? अरे भाई तुम सामने दिख गए इसलिए पूछ रहे हैं। देखिए साहब, खून का मामला है, आप सुपरवाइजर से पूछिए, मैं छोटा आदमी हूँ, मुझे इसमें मत फंसाइए। चुपचाप देखो टिकट और बताओ कहाँ का टिकट है ये। हाँ सर दिखाइए। ले लो ये टिकट, कांदीवली और मलाड के बीच में जो बस चलती है ना उस रूट का टिकट है। ठीक है साहब, मैं जाऊँ। थैंक्स। अच्छा अभिजीत,
इस साबू का एक लड़का है ना, बेटा है। मयंक। मयंक? या मयंक जिस स्कूल में पढ़ाता है वो मलाड और कांदिवली के बीच में ही तो है। मतलब ये साबू मलाड और कांदिवली में अपने लड़के से मिलने जाता होगा। बस मयंक, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। लेकिन मैंने किया क्या है? मयंक तुम्हें गिरफ्तार करने आए, तुमने विनीत का खून किया है। विनीत? कौन विनीत? मैं किसी विनीत को नहीं जानता। ए, रुक जा, सर ये तो भाग गया। रुक जा फ्रेडी, गाड़ी में बैठो, जल्दी भाग, जल्दी जल्दी चलो। काकू, काकू आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो मैं बाद में बताऊंगा, तुम अंदर बैठो। काकू अब हम सेफ हैं। काकू आपने मेरी जान बचा ली, लेकिन आप यहां पहुंचे कैसे, वो भी कार में, और मेरी वजह से आपने अपनी जान खतरे में क्यों डाली? इसलिए बेटा कि तू मेरा बेटा है। हाँ बेटा। मेरे पापा? लेकिन आप ये कैसे कह रहे हैं? मैं इतने दिन तुम्हारे साथ रहा लेकिन तुम्हें बता नहीं पाया। तेरी एक झलक पाने के लिए मैंने पीएन की नौकरी की है। मुझे पता है। बाहर आ जाओ। बस साबू, बहुत दिनों तक छुप लिए। माइक, ये सब तूने? हाँ। ये मयंक तुम्हारा बेटा है, ये बात हमें पहले ही पता चल गई थी। और इसलिए मयंक को हमने तुम्हारी सारी सच्चाई बता दी थी, क्योंकि तुम्हें पकड़ने का कोई और तरीका नहीं था। मैं ये सपने में भी नहीं सोच सकता कि मेरा ही बेटा मुझे जेल पहुंचाएगा, सीआईडी की मदद करेगा। सबके लिए तो तुम मर गए थे ना, उस एनकाउंटर में कैसे बच गए थे तुम? एनकाउंटर वाले दिन मैं कुछ ज्यादा ही जख्मी हो गया था। जब मुझे एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था तो मैंने एम्बुलेंस वालों को पैसे खिलाए तो उन्होंने मेरी जगह किसी और लाश को रख दिया। तुम इतने साल थे कहाँ? गायब हो गया था। मैंने सोचा जब तक ये सब कुछ ठंडा नहीं हो जाता, लोग इसे भूल नहीं जाते, मुझे इसी तरह कहीं ना कहीं छुपकर रहना चाहिए। कई साल लगे मुझे इस बदले को लेने के। तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारा बहुत साथ दिया इसलिए तुम आज तक बचते रहे, लेकिन किस्मत भी ज्यादा दिनों तक गलत लोगों का साथ नहीं दे पाती और एक ना एक दिन उसे उसके असली अंजाम तक पहुंचा देती है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।